مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सामिन, आप सबका मोहम्मदी एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से मैं अंजुम रिजवी बहैसियत सेक्रेटरी हमारे प्रेसिडेंट जनाब इकबाल जहा साहब की जानिब से वाइस प्रेसिडेंट शाहिद अली मूसावी के जानिब से ट्रेजरर जनाब अशवाक अहमद की जानिब से अख्तर अब्बास और बाबू भाई की जानिब से फिरोज बख्श की जानिब से और हमारे मोहतरम फहमीदा रजाल काजमी साहिबा की जानिब से आप सभी हजरात का दिली शुक्रिया अदा करता हूं और इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूं। एक बार नारे सलवात के साथ इस प्रोग्राम के फर्दर आगाज के लिए आप सब एक बार नारे सलवात पढ़ते हैं। ये एजाज भी है, शरफ भी और जसारत भी मुझ जैसों के लिए कि उलमा इकराम की मौजूदगी में, बुजुर्गान की मौजूदगी में, असातिज़ा की मौजूदगी में मैं लबकुशाई करूं। मुझे ये ज़िम्मा दिया गया है कि मैं आज की एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के मुतालिक चंद एक मिनट आपके से बात करूं और आज का हमारा यहाँ जमा होने का जो मकसद है उसको आपके सामने पेश करूं। मोहम्मदी एजुकेशनल ट्रस्ट की एक ट्रस्टी होने का ये शरफ मुझे पिछले कई वर्षों से नसीब है, हासिल है। आपने नाम कई एक मरतबा मेरा सुन लिया, लिहाजा दोबारा और अपना तारुफ पेश करना मैं ज़रूरी नहीं समझती। मकसद ये है आज हमारे यहाँ जमा होने का कि उन बच्चों की हौसला अफजाई की जाए कि जिन्होंने बेहतरीन नंबर्स से अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स पास किए। देखिए, तालीम इंसान के लिए हुनर है, उसका सिपर है, उसका लिबास इज्जत है। यही एक चीज़ है जो इंसान को ला तअलमुना शया से अशरफुल मखलूकात तक का सफ़र करवाती है। और अगर तालीम न हो तो कैसे समझ में आएगा कि इंसान आदमी है या इंसान है। ये एक बहुत लतीफ़ फ़र्क है ज़बान का, लेकिन जब किरदार में नज़र आता है ना तो बहुत वाज़े अंदाज से नज़र आता है। We are here today to acknowledge, encourage and honor students who have secured a good percentage in their board examinations, and we hope that this encouragement will further give them incentive to pursue higher education, which is by far the only way out for us today. Information is power, knowledge is power, and today we understand this more than ever before. With this realization, we've come here today. देखिए, हम सब जानते हैं और ये जिक्र हुसैन मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़ज़्ल करम है हम पे कि मैं अभी जो कहने लगी हूँ आप सब उससे वाकिफ़ हैं। क्या قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي باوها. क्या फरमाया रसूल ने उनकी अजमत वाले दुरूद पढ़े। कि मैं शहर इल्म हूँ और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम उसका दरवाज़ा है। बस हमने अपनी तमाम तर उम्मीदें, अपनी तवानाइयाँ इस दरवाजे से वाबस्ता रखनी है। ये कम शर्फ नहीं कि हमें रास्ता मालूम है, अब कदम उठाकर उस पर चलना वाजिब है। आज हमारे बीच जो लोग मौजूद हैं, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना अशरफ अली बरवी साहब, मौलाना मोहम्मद साहब और जो हमारे यहाँ हमारे शहर में
जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं किसी तारुफ के मौजूद नहीं है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बस इतना आपसे मैं यहाँ गुजारिश करना चाहती हूँ कि इनके फजल से, इनकी मौजूदगी से, इनके फैज से हमें फ़ायदा उठाना है। मोहम्मदी एजुकेशन ट्रस्ट किसी तारुफ का मोहताज नहीं, एक ऐसे पिछड़े हुए इलाके में खिदमात अंजाम दे रहे हैं कि जहाँ पर कोई तसव्वुर नहीं था दीनी तालीम का। और कोविड का, पैंडेमिक का ये जो ज़माना है कि जिसने अक्सर ऐसे इकदाम की कमर तोड़ दी, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह इमाम ज़माना अज़लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के फ़ज़्लो इनका ये काम जारी और सारी है और बखूबी अंजाम दिया है इन्होंने इन तमाम तर जिम्मेदारियों को। मैं आपका इससे ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए अब आपके सामने उन बच्चों को बुलाना चाहती हूँ कि जो मकतबी मोहम्मदी, जो इनका दीनी इस्लामी तालीम देने का मकतब है, मदरसा है, जिन बच्चों ने पिछले बरस अगस्त में यानी 2022 के अगस्त में तंजीमुल मकातिब के इम्तिहान को दिया और जो बच्चे मुमताज़ आए, माशाल्लाह अच्छी तादाद है उनकी जो आए हैं, उनको हम फेलिसिटेट करेंगे, उनके नाम हम यहाँ पर लेंगे और उनसे गुजारिश है कि वो एक के बाद आए, एक के बाद एक आए, एक नारे सलावत से उनका खिदमत कर लीजिए। बरकत के लिए किसी भी तरह दुरूद पढ़ लें, अल्लाह मुहम्मद व आल मुहम्मद व अर्जुन पर। कुमैल हुसैन, आसिफ हुसैन, अजान हुसैन, साइना खातून, शहजेब अली, मोहम्मद असगर हुसैन, नफीसा अली, जैनब फातिमा, इन्नमा मेहदी, जहरा अली, आप सबसे गुजारिश है बेटा आप स्टेज पर आ जाएं और मैं दरख्वास्त करूंगी आज के चीफ गेस्ट जो हमारे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना अशरफ अली गरवी साहब कि वो इन बच्चों को गिफ्ट से नवाजें, उनको फेलिसिटेट करें और उनको दुआएं दें कि बेहतर एजुकेशन में वो आगे बढ़ सकें। मकतबे मोहम्मदी में अतफाल से लेकर पंजुम तक के क्लासेस होते हैं और इन बच्चों ने इम्तिहान में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। सबसे पहले कुमैल हुसैन, आप हैं यहाँ मौजूद बेटा, असील हुसैन, अजान हुसैन, आ जाए। शाइना खातून, शहजेब अली, मोहम्मद असगर हुसैन, नफीसा अली, ज़ैनब फातिमा, इन्नमा मेहदी, ज़हरा अली,
इसके बाद पोडियम पर आप सब से गुफ्तगू करने के लिए एक ऐसी शख्सियत को दावत देना चाहूंगी कि जो किसी तारीफ के मोहताज हैं। मिस्टर मोहसिन अली शिराजी इज अ नेम टू रेकन विद इन हायर एजुकेशन इन वेस्ट बंगाल, एन अवॉर्डी ऑफ सेवरल अवार्ड्स ऑफ एक्सलेंस इंक्लूडिंग वन by former President of India, Mrs. Padma Patil, for excellence in education and many feathers in his cap. Mr. Mohsin Ali Shirazi is the founder of Abbott School in the Hooghly district of West Bengal, but besides that, and I have been an eyewitness of his efforts, he runs so many charitable organizations and he has lent a helping hand to most of these struggling tutorials that are trying to provide slightly subsidized or free education to students. खुद मिली अलमीन कॉलेज में भी सर जब उन्होंने मुदाखलत की इस चीज़ में तो आपने गरीब बच्चों के लिए बिलखसूस गरीब लड़कियों के लिए जो फ्री क्लासेस होते थे उसके लिए टीचर्स को अप्रोच किया, he used his own contacts to make sure that these girls got some kind of quality education. Jaisa ki maine kaha kisi taaruf ke muhtaj nahi, lihaza zyada waqt na waste karte hue main guzarish karti hu ki Shirazi sahab aap please podium par aaye aur house se bayan kare aaj ki education campaign ke bare mein. Shukriya. Bismillahirrahmanirrahim. Hame hamare azeez muhtaram sahab साहब रवि साहब मौलाना अली अब्बास साहब और दीगर मेहमान जो स्टेज बैठे हम किनको ना भूलेंगे कि ये किसी जायसवाल जो हम लोग के बीच आई हैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया। कहना ये है सबसे पहले हम मुबारकबादी देना चाहूँगा मोहम्मदी एजुकेशन सोसाइटी ये लोग लगे हुए हैं इस पाँच साल से ये कोशिश में लगे हुए थे कि जमीन लेकर जमीन लेने के बाद बिल्डिंग बनाएंगे बच्चों को शिक्षा यानी तालीम देंगे। बहुत बहुत मुबारक हो तो मैनेजमेंट को। कौन सोचता है एजुकेशन के बारे में, अभी एक सिनेमा हॉल चालू करें सब दौड़ जाएंगे सिनेमा देखने के लिए। हम अगर स्पोर्ट्स फील्ड चालू करेंगे सब माँ बाप लोग जो है अपने बच्चों को जाएंगे जाओ खेलो वहाँ पर। कोई तालीम की तरफ ध्यान नहीं देता, कोशिश नहीं करता। तालीम ऐसा चीज है जो आदमी को आदमी बनाता है, आदमी को आदमी बनाने का माने इज्जत देता है, उनको मौका देता है कि दूसरा को भी आप सिखाइए, उनको मौका देता है कि सोसाइटी में कुछ सर ऊंचा करके चलिए, उनको मौका देता है कि आप अपना इज्जत दिखाते हुए दूसरा को भी इज्जत दीजिए। मैं इसके लिए बहुत जोरदार जोर से कह रहा हूँ हर माँ बाप को जो यहाँ मौजूद है अपने बच्चों को तालीम देने का कोशिश। और ये भी हम कहेंगे कि हमारे जो मोहम्मदी एजुकेशन सोसाइटी के लोग हैं जो तो कोशिश कर रहे हैं स्कूल कायम करने के लिए उनको भी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, आगे बढ़ाइए, तब ना वो आप लोग इनकरेज करेंगे तभी हम लोग कुछ आगे बढ़ सकते। और इससे हम कहना नॉर्मली कहना तो बहुत कुछ है लेकिन बेशी कहना नहीं चाहते हैं तो वो इंग्लिश वर्जन को इंग्लिश सेइंग को हम फॉलो करते हैं स्पीकर्स आर फुलिश लिसनर्स आर वाइज। तो आई वांट टू बी अमंगस्ट यू अ वाइज पर्सन। थैंक यू फॉर दैट। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, अच्छी परसेंटेज लेकर आए हैं, मॉम के बच्चे, उनको सराहा जाए, उनको एनकरेज किया जाए। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम इज द फेलिसिटेशन ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन इन बोर्ड एग्जाम्स।
that have just been the results of which have just been declared. मैं एक एक के नाम यहाँ पर लूँगी और आपसे गुजारिश है अगर आप हॉल में मौजूद हैं तो प्लीज़ स्टेज पर उस तरफ से आ जाइएगा और फिर एक मरतबा ज़हमत देंगे हम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अशरफ अली गरीब साहब को कि वो प्लीज़ इन बच्चों को उनके मेमेंटो और उनके गिफ्ट से नवाजें. अरीबा अली वस्ती आ जाइए. अली जब्बाद इमाम, अलीशा जहरा, सैयदा अतिया मेहदी, फातिमा अहमद, मोहम्मद मिसबा कुदसी, मिनहाल अली मिर्ज़ा, सैयद रजा इकबाल, महविश जहरा, शमा परवीन, मोहम्मद आरिफ जाफरी, रिया अजमत खान, फरहान हुसैन, निशाद हुसैन. अरीबा अली वस्ती आप हैं मौजूद? जी. अरीबा अली वस्ती, लेट मी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम. क्लास 10 अली जवाद इमाम क्लास 10. सैयदा अतिया मेहदी क्लास 12. आइए इधर आइए. फातिमा अहमद क्लास 10. फातिमा है आप यहाँ पर? मोहम्मद मिसबा कुदसी क्लास 10. मिनहाल अली मिर्ज़ा क्लास 10. सैयद रजा इकबाल क्लास 10. फातिमा अहमद क्लास 10. महविश जहरा क्लास 12. शमा परवीन क्लास 12. अलीशा जहरा क्लास 12. अलीशा जहरा. मोहम्मद आरिफ जाफरी क्लास 12.
जी मोहम्मद आरिफ जाफरी लमाज के टॉपर हैं, एक ए ग्रेड स्कूल के टॉपर हैं, इसी की बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अगली है रिदा अजमत खान क्लास 10। फरहान हुसैन क्लास 12 आप हैं। निशाद हुसैन क्लास 12। शुक्रिया मैम। इंतहाई खुशी महसूस कर रही हूँ इस वक्त कि बहुत देर से जिनका इंतज़ार था, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे लिए एक हौसले का सुकून, एक मशालेदा, एक एग्जाम्पल सोसाइटी के लिए, एक एजुकेशनिस्ट, एन एकेडमिशियन, एक रिलीजियस टीचर और खुदा जाने और कौन कौन से कमालात आज भी देखना बाकी है इनकी शख्सियत में। आली जनाब प्रोफेसर सैयद हैदर हसन काजमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप सबके सामने मकतबे मोहम्मदी की एक स्टूडेंट जो इस वक्त दीनी तालीम हासिल कर रही हैं शहर लखनऊ में, तफसीर जहरा आपके सामने आकर अपने एक्सपीरियंस को बयान करेंगी और इसके साथ साथ जो मुख्तसर सी एक हिस्ट्री है मकतब की वो आपके सामने पेश करेंगी। कबल इसके कुछ मेहमान अजीज का खैर मकतब करने के लिए अंजू भाई आपसे गुजारिश है कि पोडियम पर आए। शुक्रिया। एक बार फिर से गुजारिश करता हूँ, खैर आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी लेकिन हम लोगों की खुशकिस्मती है कि आप यहाँ मौजूद हैं और आपके हाथों लोगों की दिलखुशी हो रही है। इससे बड़ा शब्द और शायद हम लोगों को और कुछ नहीं मिल पाएगा। और जिन बच्चों को आज अवार्ड मोहतरम आली जनाब मौलाना अशरफ अली दरवी साहब के हाथों मिला है, आप सब बहुत खुशकिस्मत हैं और इस मुबारक हाथ से जो आप लोगों ने अवार्ड रिसीव किया है, इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब होंगे। एक बार सरकार का इस्तकबाल तालियों के साथ हो तो ज़्यादा। आप हिंदुस्तान में आयतुल्ला उज़्मा आका सैयद अली सिस्तानी साहब क़िबला के नुमाइंदे हैं जो यहाँ हिंदुस्तान में एजुकेशन पर काम करने के लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया है। और उन्होंने हम लोगों की गुजारिश पर यहाँ आना कबूल किया, यही हमारे लिए बहुत बड़े फख्र की बात है और इसके लिए हम परवरदिगार का मासूमीन अलैहिस्सलाम का शुक्रिया अदा करते हैं। नारे सलवात। मैं गुजारिश करूंगा सरकार के आप तशरीफ लाएं और प्रोफेसर हैदर हसन काजमी साहब को गुल पेश करके उनका इस्तकबाल करें। Thank you.
नारे सलवात मोहम्मद। सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज से तकरीबन 17 साल कबल कोलकाता के मशरिक़ी इलाके तोपसिया में मुकीम जनाब अब्दुल रशीद, सैयद जाफ़र अब्बास रिजवी, सैयद मुश्ताक अली आब्दी, सैयद अब्बास गदीरी, सैयद अख्तर हुसैन और फिरोज़ बख्श साहिबान की कोशिशों की बदौलत एक तंजीम इदारा वजूद में आया, मोहम्मदी एजुकेशनल सोसाइटी। हदफ था इस इलाके के पसमानदा शिया बाशिंदों का दीनी और दुनियावी तालिमात में रुझान पैदा करना, जरिया फराहम करना और उनकी सोशल प्रॉब्लम्स को दूर करना, जिसे तंजीम ने बखूबी निभाना शुरू किया और जारी रखा। सन 2012 में इस अदारे का वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बाकायदा रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन के बाद इस अदारे के काम ने रफ्तार पकड़ी। हर साल रमजान के महीने में कई बेसिक इस्लामिक नॉलेज कैंप्स मुनक्किद किए गए, कई कॉम्पिटिशन्स करवाए गए जिसमें कोलकाता, 24 परगना और दीगर इलाकों के तालिबे इल्मों ने हिस्सा लिया, जिन्हें बाज़ाबता सर्टिफिकेट्स इनामात से नवाजा गया। करियर काउंसलिंग कैंप और सेमिनार्स के जरिए बच्चों को उनकी पढ़ाई का सही रास्ता फराहम करने में मदद की गई। इसके अलावा तोपसिया और क़ुर्ब के इलाकों के ज़रूरतमंद बच्चों को स्कॉलरशिप, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस और किताबें मुहैया कराकर अपनी खदमात पेश की, जिसका सिलसिला आज भी जारी और सारी है। कोरोना पैंडमिक के दौरान जब पूरी दुनिया में अफरा तफरी का आलम था, इस अदारे ने उस वक्त भी अपनी हैसियत के मुताबिक कोलकाता, तोपसिया और क़ुर्ब के इलाकों के ज़रूरतमंद लोगों को राशन, दवाइयाँ और ज़रूरियात की चीज़ें देकर अपनी खदमात पेश की। जनवरी 2019 में इस अदारे ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। एक मदरसा कायम किया गया जिसका नाम मकतबे मोहम्मदी। इस मदरसे में बच्चों को दर्जा अतफाल से दर्जा पंजुम तक की तालीमात तंजीमुल मकातिब लखनऊ के जेरे सायर मुहैया की जाती है। इसके अलावा करिकुलर एक्टिविटीज, पर्सनालिटी एंड स्किल डेवलपमेंट और करियर ग्रूमिंग पर भी बाकायदा काम किया जाता है। बच्चों की हौसला अफजाई और दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए सालाना एक्सकर्शन टूर्स, मैजिक शोज और दीगर प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए। इदारे की फलाह व बहबूदगी के मकसद से एक जूनियर टीम भी अपने सीनियर्स के शाना बशाना रहकर अपने खदमात अंजाम दे रही है और इंशाअल्लाह ताला देती रहेगी। परवरदिगार के करम और चहारदा मासूमीन के सदक़े और आपकी दुआओं से आपका ये अपना अदारा मोहम्मदी एजुकेशनल सोसाइटी बखूबी अपने काम को अंजाम दे रहा है और इंशाअल्लाह ताला देता रहेगा। शुक्रिया। वसलम। बहुत शुक्रिया तफसीर, बड़े ही जाजिब अंदाज से आपने बड़े इख्तिसार के साथ मकतबे मोहम्मदी की इस हिस्ट्री को पेश किया। मैं गुजारिश करूंगी अंजुम रिजवी साहब से कि वो स्टेज पर आएं और प्रोग्राम का जो लास्ट लैप है उसको कंडक्ट करें। शुक्रिया। शुक्रिया मोहतरमा बदार काजी साहबा, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने अब तक प्रोग्राम को कंडक्ट किया और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं
दो बातें आप लोगों के सामने आज करना चाहूँगा अपने अदारे के एक मिशन के सिलसिले में। अदारे का तो मुख्तसर ताल्लुक तफसील ज़हरा ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया और तकरीबन सारी बातें आपके सहनशीब हो गई होंगी कि हमारा अदारा कितने दिनों से काम कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या मकसद है। एक सबसे बड़ा मकसद जो हम लोग लेकर चल रहे हैं वो ये कि अपनी कौम का, अपनी मिल्लत का एक स्कूल कायम कर सके, इंग्लिश मीडियम स्कूल जिसका स्टैंडर्ड डीपीएस हेरिटेज से कुछ कम ना हो। इस मकसद को लेकर जो हम लोग आगे बढ़े, शुरू से ही ये मकसद हमारा रहा है और इसी सिलसिले में हम लोग आहिस्ता आहिस्ता गामजन रहे अपने रास्ते पर। और इस मकसद को हासिल करने में जो सबसे बड़ी हम लोगों की अचीवमेंट रही पिछले साल वो ये कि स्कूल के लिए जो हमें पुख्ता ज़मीन की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर ज़मीन ना हो तो स्कूल हो नहीं पाएगा, तो ज़मीन की जो ज़रूरत थी वो पुख्ता ज़मीन हम लोगों ने आप सबकी दुआओं से, परवरदिगार के करम से, मासूमीन अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमारे बुजुर्गों की दुआओं से हम लोगों ने ज़मीन पिछले अक्टूबर में ख़रीद लिया है और उसकी बाकायदा रजिस्ट्री हो चुकी है। ये पहला स्टेज था जिसे हम लोगों ने पार किया और अब आगे बढ़ना है, कंस्ट्रक्शन का काम करना है और उसके बाद स्कूल का आगाज़ करना है। यही है मिशन, कोई छोटा मोटा मिशन है नहीं, बहुत बड़ा मिशन है, काफ़ी पैसे की ज़रूरत है इसमें। तो बहरहाल हम लोग अपना काम कर रहे हैं, परवरदिगार की मदद रहेगी, मासूमीन अलैहिस्सलाम का सदका रहेगा और हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। इस सिलसिले में एक, चूँकि वक्तन बवक्तन हम लोगों को पैसे की ज़रूरत रहती है, चूँकि अब काम शुरू करना है, बरसात के बाद जो है वो बाउंड्री का काम होगा, उसके बाद फिर फाउंडेशन का काम होगा, सिलसिला जारी रहेगा। अभी जो प्रोसेस है, लेटेस्ट प्रोसेस वो ये है कि अभी म्यूटेशन पर हम लोग काम कर रहे हैं, यानी दाखिल खारिज का प्रोसेस चल रहा है और गालिबन हमको लगता है कि एक दो महीने के अंदर वो कम्प्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर सेंक्शन प्लान में जाएगा और उसके बाद फिर काम आगे बढ़ेगा। तो जो वक्तन बेवक्तन हम लोगों को थोड़ा बहुत पैसे की ज़रूरत रहती है तो हम लोग आपस में मिल करके तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से आगे बढ़ने में हमारी मदद नहीं करेगा, क्योंकि हमारा सबका एक लिमिटेशन है। इसलिए एक स्पॉन्सरशिप स्कीम हम लोग ला रहे हैं और उसका बाकायदा इस वक्त अनाउंस कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ये स्पॉन्सरशिप स्कीम क्या है कि मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप अपने मरहूमीन के नाम से, जो इस दुनिया से चले गए हैं, परवरदिगार उन्हें जन्नत में आला से आला दर्जे पर फायज रखे, वो जो यहाँ से चले गए हैं उन लोगों के नाम से आप इस स्कूल में एक स्क्वायर फुट ज़मीन का हदिया फरमाएं, जिसकी कीमत हम लोगों ने 5786 रुपये रखी। एक स्क्वायर फुट ज़मीन का हदिया अपने मरहूमीन के नाम से फरमाएं, ये हदिया हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत कारगर साबित होगा और हमें वक्त बवक्त जो छोटे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी वो मदद करता रहेगा। जब स्कूल कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, तो जिन मरहूमीन का नाम रहेगा सबका नाम बाज़ाब्ता तौर पर हम लोग वहाँ एक लिस्ट में लगाएंगे ताकि और भी लोगों को आगे चल करके हौसला मिले और जो उनका नाम पढ़ें वो सारे लोग उनके लिए मगफरत की दुआएं करें। ये स्कीम थी, इसका छोटा सा अनाउंसमेंट था। बाकी आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप हम लोगों के साथ रहिए, मशवरे से नवाजिए। यहाँ हमारे बीच बहुत मोहतरम हजरात मौजूद हैं, जिन लोगों को हमने इनवाइट किया वो तकरीबन सब के सब यहाँ मौजूद हैं। मैं फर्दन फर्दन नाम नहीं ले सकता, मैं दिल से अपने मोहम्मदी एजुकेशनल सोसाइटी के जानिब से, मोहम्मदी एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से आप सभी हजरात का दिली शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इतना कीमती वक्त, जो आजकल हर सबका वक्त बहुत कीमती है, आप लोगों ने इस वक्त अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ आए और हमारी हौसला अफजाई। मोहतरम जो हमारे यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं, इनका भी दिली शुक्रिया। ये वक्त, ये दिन शायद हम सब याद रखें, हम अपनी टीम तो ज़रूर याद रखें। देखिए, हम एक सिस्टम के तहत चल रहे हैं,
मोहम्मदी एजुकेशनल सोसाइटी एक्ट के तहत एक सोसाइटी रन कर रही है जिसका बाबते एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसके बाद साथ ही साथ एक ट्रस्ट है। जमीन जो हम लोगों ने ली है वो मोहम्मदी एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से ली है, और स्कूल जो चलेगा वो मोहम्मदी एजुकेशनल ट्रस्ट के बैनर से चलेगा। ट्रस्ट का भी अपना एक बोर्ड है जिसमें प्रेसिडेंट जनाब इकबाल जा साहब हैं, वो इत्तेफाक से आज हमारे बीच यहाँ मौजूद नहीं है, उन्हें काम था वो मुर्शिदाबाद चले गए हैं। आप प्रेसिडेंट अवार्ड विनर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, अपने खिदमात पुलिस डिपार्टमेंट में एक आला दर्जे पर ऑफिसर रहते हुए की है, वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे निगरा हैं। वाइस प्रेसिडेंट जनाब शाहिद अली मुसवी साहब हैं, प्रोफेसर गजाला काजमी साहब हमारे ट्रस्टी हैं, अशफाक साहब हमारे ट्रेजरर हैं, मैं एज ए सेक्रेटरी खिदमत अंजाम देता हूँ, फिरोज बख्श साहब हैं, बाबू साहब हैं, ये हमारी पूरी एक टीम है। और उसके बाद हम लोगों ने एक एडवाइजरी काउंसिल भी तश्कील की है जिसमें जो हमें इस स्कूल को बनाने में, इस स्कूल का प्रोजेक्ट लाने में ऑफिशियली लीगली मदद फरमा रहे हैं, जिनमें से कुछ लोग हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं, उसमें तो इकबाल जा साहब भी हैं, और उसमें हमारे मोहसिन अली शिराजी साहब हैं, डॉक्टर बिंदु जायसवाल जी हैं, आपका एक बार फिर से मैं तारुफ करूँ, जो लोग नहीं आए थे उन्हें, बाकी लोगों का तारुफ तो माशाल्लाह आप लोगों के सामने है ही है। आप CBSE के हेड एग्जामिनर हैं हिंदी की, और महादेवी बिरला वर्ल्ड अकेडमी जो दरगाह रोड में स्कूल है उसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं हिंदी। तो एक बार मैं चाहूँगा तालियों के साथ आप मैडम को सपोर्ट करें। आप हमारे स्कूल के प्रोजेक्ट को बहुत मदद फरमा रही हैं, हर टेक्निकल जाविये से हमें मशवरा देती हैं, और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। तो यही था मुख्तसर जो हमें कहना था, और आप लोगों का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने एक छोटा सा फेलिसिटेशन का इंतजाम किया है, जो लोग हमारे दरमियान अपने एजुकेशन के ज़रिए खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं उन्हें हम फेलिसिटेट कर रहे हैं, वो तमाम मोहतरम शख्सियत गालिबन यहाँ मौजूद हैं। प्रोफेसर सबीहा तज़ीन साहबा आ चुकी हैं जी, आ चुके हैं, और प्रोफेसर साजिदा बानो साहबा भी गालिबन आ चुकी हैं। चलिए, आप सबका स्वागत है, वेलकम है, इस्तकबाल है। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूँगा मौलाना अशरफ अली बरेलवी साहब से, आपको एक बार फिर ज़हमत देता हूँ कि आप आएँ और इस्तकबाल करें, फेलिसिटेट करें, तशरीफ लाएँ। सबसे पहले मैं हमारे मेंटर जिन्हें देखकर हम बड़े हुए, जिन्होंने हमें उंगलियां पकड़ कर चलाया है, मैं उनका स्टूडेंट भी रह चुका हूं। मैं जब बंगोवासी कॉलेज में पढ़ता था तो उर्दू का क्लास सर के साथ करता था, प्रोफेसर सैयद हैदर हसन काजमी साहब से गुजारिश करता हूं कि सर आप तशरीफ लाएं और आका के हाथों। प्रोफेसर काजमी साहब तारुफ के नाबाद नहीं है, सर बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लाए और हम लोगों के छोटे से नजराने को कबूल किया। हमारी गुजारिश है कि सर आप इसी तरह हम लोगों को गाइड करते रहें, हम लोग आगे बढ़ते रहें आपके जरिए निगरानी। एक बार तालियों के साथ फिर से आपका करें प्रोफेसर सैयद हैदर हसन। अब मैं डॉक्टर सैयद अली इरफान नकवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएँ। अली इरफान नकवी साहब भी मोहताज तारुफ नहीं है,
लेकिन फिर भी आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उर्दू में अपने खिदमत अंजाम देते हैं सिद्दीपुर कॉलेज कोलकाता में। सर आपका खैरमकदम इस्तकबाल, वेलकम सर। मैं गुजारिश करता हूँ सर कि आप आकर के तालियों के साथ वेलकम किया जाए। थैंक यू सो मच सर, आप आए, बहुत शुक्रिया। और अब मैं जनाब डॉक्टर अली इमरान साहब से गुजारिश करता हूँ, गालिबन आप तशरीफ ले आए हैं। अली इमरान साहब, अरे आप नीचे बैठे सर, हाँ आइए ऊपर आइए, तशरीफ लाइए। डॉक्टर अली इमरान साहब का तालियों के साथ इस्तकबाल किया जाए। आप स्टेट एडेड कॉलेज टीचर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ क्वेश्चन, मौलाना आजाद कॉलेज कोलकाता में। खैर मकदम है, इस्तकबाल है सरकार। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आप यहाँ तशरीफ रखें सर, प्लीज तशरीफ रखें। और अब मैं जनाब इनामुर रहमान साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं। इनामुर रहमान साहब, आप स्टेट एडेड कॉलेज टीचर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन, मौलाना आजाद कॉलेज उर्दू डिपार्टमेंट, सॉरी उर्दू डिपार्टमेंट में मौलाना आजाद कॉलेज में खिदमत अंजाम देते हैं जनाब इनामुर रहमान साहब। सर बहुत शुक्रिया आप आए, और मोस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मैं डॉक्टर निखत जहां साहब से गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ रख सरकार। आप मैं डॉक्टर निखत जहां साहब से गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ लाएं, और मैं आपका इस्तकबाल हमारी मोहतरम शख्सियत गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर बिंदु जायसवाल जी से गुजारिश करता हूं कि आप इस्तकबाल करें। आप स्टेट एडेड कॉलेज टीचर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, विक्टोरिया इंस्टीट्यूट कॉलेज कोलकाता, डॉक्टर निखत जहां साहब। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमारी दावत कबूल की और आप यहां मौजूद हैं। और मैं आपसे एक चीज़ की माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ कि आपका नाम और ये पोस्टर कर नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे बहुत लेट से आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिला, इसके लिए माजरत है। तशरीफ रखिए। और अब मोहतरमा सबीहा तजीम साहिबा, तशरीफ लाए। अगर तालियां बजती रहें तो अच्छा लगेगा। सबीहा तजीम साहिबा, सबिया तजीम साहबा, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उर्दू बंगोबासी मॉर्निंग कॉलेज। शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। और डॉक्टर नुजहत जहरा जी, आइए तशरीफ लाइए। तालियों के साथ इस्तकबाल हो डॉक्टर नुजहत जहरा जी।
आप फैकल्टी डिपार्टमेंट उर्दू सुरेंद्रनाथ कॉलेज फॉर वुमेन कोलकाता। गुजारिश करता हूँ प्रोफेसर फहमीदा गजाल काजी साहब से कि आप तशरीफ लाएं। आइए मोस्ट वेलकम। तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए प्रोफेसर फहमीदा गजाल काजी साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट इन इंग्लिश गोमकल गर्ल्स कॉलेज गोमकल मुर्शिदाबाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और मैं मोहतरमा साजिदा बानो साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पर। साजिदा बानो साहिबा, आप स्टेट एडेड कॉलेज टीचर डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू बंगोबासी कॉलेज कोलकाता, आइए तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर बिंदु जसवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके हाथों। थैंक यू सो मच। मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मैं कुछ बोल सकूँ। थैंक यू, थैंक यू। और हमारे दरमियान हमारे एक गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब शहनशाह मिर्जा साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। प्लीज सर आप आइए, तशरीफ लाइए स्टेज पर। आइए, अरे आइए तो सर, आइए प्लीज आइए सर। आप स्कूल एडवाइजरी काउंसिल में वन ऑफ द मेंबर हैं, मैंने नाम लिया थे चार पांच, उनमें आप भी हैं, आप भी हमें नवाजते हैं। आई सर, सॉरी सर, चेयर आप मैं अशरफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब शहनशाह मिर्जा साहब के इस्तकबाल करें। जरूर लेकर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, हाँ बीच में एक चीज़ का अनाउंसमेंट मैं करना भूल गया। अभी हमारे गेस्ट जो गेस्ट ऑफ ऑनर है जनाब मोहम्मद खान साहब, ये सोशल वर्कर हैं, अपने इलाके में तोपसिया में बहुत काम करते हैं, हम लोगों के साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, हमेशा हौसला अफजाई हमारी करते रहते हैं। उन्होंने आ करके हमें यहाँ कान में खुशखबरी सुनाई, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो इस अदारे को आज 2 लाख रुपए का एक चेक गिफ्ट कर रहे हैं। और हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जनाब शाहिद साहब को चेक पेश करें। और अभी सर अमीन बस साहब भी, ये दोनों मिल करके के हम लोगों की बहुत हौसला अफजाई करते हैं, हमेशा साथ साथ रहते हैं। आइए सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रगुजार हूँ इरफान साहब, बहुत हौसला मिला, बहुत शुक्रिया तशरीफ लेकर सर। और अब
प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, बस थोड़ा सा और वक्त है। मैडम डॉक्टर बिंदु जायसवाल जी से गुजारिश करता हूँ कि आप पोडियम पर आएँ और हम लोगों के लिए दो शब्द जो है कुछ भी है। नमस्कार, मैं सर बैठे सभी महानुभावों का नमस्कार करती हूँ, सभागार में उपस्थित सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। इस मंच पर खड़े होकर के मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ी हूँ जहाँ पे वाकई में मेरी ज़रूरत है, जहाँ मैं कुछ काम कर सकती हूँ। इसलिए कि इस संस्था का जो लक्ष्य है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी ने जो ये महत्व कार्य, ये जो बीड़ा उठाया है शिक्षा को फैलाने का, ये वाकई में बहुत ज़रूरी है। राजेश जोशी जी की कविता है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्या सारे मदरसे खत्म हो गए हैं, क्या किताबें गेंदें खेल मैदान सब खत्म हो गए हैं, अंतरिक्ष में गुम हो गए हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ है, हर तो माहौल सब कुछ है, पर उसके बाद भी बच्चे पढ़ नहीं रहे। और बच्चों का नहीं पढ़ना उनके जीवन को अंधकारमय तो बनाता ही है, साथ ही देश को भी अंधकारमय बनाता है। हमारा भविष्य अंधकार में खो जाएगा अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे। स्कूल बन चुके हैं, बहुत स्कूल हैं, हर वर्ग के लिए स्कूल हैं, सिस्टम है, जितना पैसा उतना बढ़िया स्कूल, पर वो बच्चे कहाँ जाएंगे जिनके पास आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है? तो आप लोगों ने उनके बारे में सोचा, पहली बात। दूसरी जो बहुत खूबसूरत ये बात है कि हम धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं कि जाति प्रथा ना हो, कास्टिज्म ना हो, रंग भेद ना हो, वर्ण भेद ना हो, धर्म भेद ना हो, पर जब भी कोई स्कूल खोलता है तो वो अपने लोगों को लेकर खोलता है, उनके बारे में सोच कर खोलता है। तो यहाँ आकर मैंने जाना कि यह स्कूल सबके लिए है, उन बच्चों के लिए है जिनके पास व्यवस्था सही नहीं है या जिन तक शिक्षा नहीं पहुँच रही है, उन्हें खींच कर लाना। उस वक्त मोहम्मदी ट्रस्ट, मोहम्मदी एजुकेशनल ट्रस्ट यह नहीं देख रही है कि वह किस धर्म का है। आज यहाँ बैठे जितने भी बड़े लोग जुड़े हैं, शायद मैं जहाँ तक समझ रही हूँ कि वो इसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि सारे बच्चे पढ़ें, हमारा विश्व साक्षर हो, क्योंकि पढ़ाई ऐसी ज़रूरी चीज़ है जो सिखाती है कि आप कैसे जीवन जिएंगे। जो हमारी सबसे मूलभूत ज़रूरत है, आय करना, रोजी रोटी, वो हमें मुहैया करवाती है। और जब ये हमें मिलता है, हमारा पेट भरा जाता है, तो दो चीज़ें होती हैं, या तो आविष्कार होते हैं या हम सुकून से जीते हैं, दोनों ही अच्छे हैं। जैसे कि न्यूटन का मैं उदाहरण दे सकती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ और बच्चों को सुनाती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि न्यूटन के पास सब कुछ था, खाना पीना कपड़ा आराम सब कुछ था, पर उसके बावजूद भी वो इतने ज़हीन थे, इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने सोचा ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होना उन्हें आविष्कर्ता बनाया कि सेब क्यों नीचे गिर गया, आसमान से तारे नीचे क्यों नहीं गिर रहे हैं। तो हमें ऐसे ही बच्चे बनाने हैं जो ये सोचें, और आज की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था यही है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि मोहम्मद एजुकेशन ट्रस्ट इस को ही अपना प्लेटफॉर्म बनाएं कि बच्चे आज आधुनिक शिक्षा प्रणाली के तहत ही पढ़ें। बीच में लॉर्ड मैकॉले के आने के बाद ये शिक्षा हमारे देश से खत्म हो गई थी, हम एक चार दीवारी में बंद हो गए थे, पर उसके पहले चाहे जो भी धर्म हो, वहाँ बच्चों को प्रैक्टिकल चीज़ों को समझा कर पढ़ाया जाता था। अब कह रहे हम जुलाहा, बच्चे जानते हैं कपड़े बुनता है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, पर कैसे बनाता है वो उन्हें दिखाना, ये जो प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन है
इससे उनको रूबरू कराना उनके सोच को बदलता है। फिर वो सोचते हैं कि अगर 30 बच्चे में वहाँ से 5 बच्चे भी अगर उसमें सक्षम हो जाते हैं, मिट्टी के बर्तन वो बनाने लगते, तो हमें वो 5 बच्चे वो समझ जाते हैं कि ये मेरे लिए सहज है और मैं इस दिशा में आगे बढ़ सकता हूँ। फोन है, मोबाइल है, हमने बता दिया सब है, किसने इजाद किया, क्या किया, पर वो जब उस चीज को बनाते हैं खुद, उन्हें वो जब डेमोंस्ट्रेशन दिखाया जाता है, तब बच्चे समझते कि अरे ये तो इतना आसान है। कुछ बच्चे उसमें से जरूर निकल कर आते हैं जो समझते हैं ये काफी आसान है। शेफ हमारे यहाँ होम साइंस है सब्जेक्ट में, तो जो बच्चे खाना बनाते हैं उन्हें पारंपरिक कुछ है जो डिश ढूंढ कर लाते हैं, तो हमारे जो कल्चर है, हमारा जो साहित्य है, हमारा जो खान पान है, वह वापस आता है हमारे पास। तो इस तरह से अगर हम शिक्षा प्रणाली को अपनी बनाएं, जो परंपरागत है वो खराब है, मैं ऐसा नहीं कहती, पर हम जब आज वर्तमान में जी रहे हैं तो हमारी ज़रूरत क्या है? हमारी ज़रूरत है कि हमारे बच्चे अच्छे इंसान तो बने ही, उनमें नैतिकता तो आए ही, वो सबका आदर सम्मान करे, पर साथ ही वो अपना पेट भी भर सके और अपने साथ के लोगों का भी पेट भर सके कि कोई भूखा ना रहे और मेरे घर कोई आए तो वो भी भूखा ना जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो लर्न टू अर्न, पढ़ते हुए आय करने की जो ये विधा है उसको वो सीखे। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, मैं करवाती हूँ, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि अकाउंट्स के बच्चों को, मैं सीनियर सेक्शन में हूँ सर, और मैं अकाउंट्स के बच्चे जो हमारे पढ़ते हैं तो हमने बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दिया, पर प्रैक्टिकल बताते कि आप चीज़ें लाइए, सूखे सामान झालमुड़ी बनते हैं, सैंडविच बनते हैं, वो लाते हैं, कैलकुलेट कीजिए क्या कॉस्ट पड़ा, और पूरे स्कूल में आप एडवर्टीजमेंट कीजिए, वो आपकी पॉलिसी है कि आप कैसे अपनी चीज़ को बेचेंगे, जितना उसमें मजबूत होंगे उतना लोग आपके उस तक आएंगे और खरीदेंगे, तो जितनी आपकी बिक्री आपने मार्जिन सेट किया, फिर आपको पता चलेगा कि सही मायने में आपने कितना प्रॉफिट किया। फिर उस प्रॉफिट को हम भले ही इसी तरह की संस्थाओं को डोनेट करते हैं, पर हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, खाते हैं हम सारे स्कूल के बच्चे, टीचर खरीदते हैं, पर हमारे बच्चे सीखते हैं। इसे ही हमने नाम दिया अपने स्कूल में लर्न टू अर्न। हमारा नेचर क्लब है, हम वहाँ बच्चों को पौधे लगाना सिखाते हैं। पर्यावरण की बात हम सब करते हैं कि पूरा विश्व पर्यावरण से जूझ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, पर स्पीच प्लेकार्ड्स नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम बच्चों को सिखाएं कि पौधे कैसे लगाना है। आज AI टूल्स का ज़माना है, बच्चों के हाथ में मोबाइल रहती है, और उन्हें ये सिखाना है कि उसका कैसे सही उपयोग करें। AI टूल्स के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ सारे बच्चे बैठे हैं और मैंने इनसे ही सीखा है। हम शिक्षक सीखना जानते हैं और सिखाना जानते हैं। हम बच्चों को आज आपस में पढ़ा करके वो खुद अपने शिक्षक हैं। पीयर टीचिंग होती है सर, हमने कोई बात कही तो हम उन्हें सिखाते हैं। बच्चे पूछते हैं मैम क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, सेल्फ लर्निंग क्या है, तो हम उन्हें पंचतंत्र की कहानियाँ मैं जैसे बताती हूँ कि शेर और खरगोश की कहानी तो सबने सुनी है। ये एक शेर था जंगल में, वो सबको मार डालता था, शिकार करता था, पर खाता तो थोड़ा सा ही था, बाकी तो बर्बाद होता था। तो सब लोगों ने मिलकर हिम्मत जुटाई और यूनिटी में, माने सामूहिक कार्य की जो क्षमता है, एक साथ मिलकर, जैसे कि आप लोग एक साथ मिलकर, दूर दूर से आप लोग आए हैं, सभी कलकत्ता से जुड़े हुए नहीं हैं, सभी मिलकर एक सामूहिक इतने महत्व कार्य को अंजाम दे रहे हैं। तो उन लोगों ने भी वही किया, वो शेर के पास जाके उन्होंने प्रार्थना की कि आप ऐसा मत कीजिए, हम आपको रोज एक जानवर भेज देंगे। शेर ने भी सोचा चलो ठीक है, बिना मेहनत किए मिल जाएगा तो अच्छी बात है, भाई सामने वाले को हम कुछ अच्छा देंगे तो राजी हो गए। अब एक खरगोश की बारी आई, सभी कहानी जानते हैं, और खरगोश तो छोटा बच्चा, नाश्ता कुत्ता खेलता भूल गया, याद आया उसे भूख लगी तो ज्यादा नहीं, मैं तो किसी का खाना हूँ। पहुँचा तो शेर दहाड़ा गुस्से में, तो मतलब भूख में तो गुस्सा ज़्यादा आता है, इतनी देर से क्यों आए, दिमाग काम किया, दिमाग दौड़ाया, जान की बात थी, और जब दिमाग दौड़ाया तो बोला एक और शेर मिल गया था, बोला मैं जंगल का राजा हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे जंगल के राजा आपसे बहुत बड़े हैं और मैं उनका भोजन हूँ, मैं उनके पास जा रहा हूँ, तुमने कहा जाओ उन्हें बुला कर लाओ और जो जीतेगा वही तुम्हें खाएगा। शेर को भी गुस्सा, अहंकार, गुस्सा आ गया, गया खरगोश ने उसे दिखाया कुएं में, वो देखे वो है पानी में झाँका, अपना अक्ष उसे दिखाई दिया, अपनी तस्वीर उसे दिखाई दी, कूद गया लड़ने। तो ये हुआ बुद्धि की बात, क्रिटिकल थिंकिंग कि हम कैसे बचें, हम कैसे समझाएं। शेर के अहंकार से हमने सीखा कि अहंकार करने से हमारी बुद्धि खराब हो जाती है,
सामूहिक शिक्षा कि हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। तो यही है आधुनिक शिक्षा प्रणाली जिसे आज गवर्नमेंट भी NEP कह रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। मैं चाहूँगी कि आपकी ये शुरुआत है, आप इसको लेकर चलो और एक चीज़ें हों। अगर हम कपड़े दूल्हा की बात करें तो दूल्हा कैसे काम करता है ये उन्हें दिखाया जाए, उन्हें समझाया जाए तो उनमें से बच्चे खुद ही सीखेंगे। और यहाँ बैठे जो माता पिता हैं उनसे मेरी ये प्रार्थना है कि अपने बच्चों को सहज बनाएं। मैं शिक्षिका हूँ, मुझे मौका मिला है तो मैं बोलना चाहूँगी, इजाज़त चाहूँगी आप लोगों का कि बच्चों को बोलिए जो चीज़ तुम्हारे लिए सहज है तुम वो पढ़ो। हम अपने सपनों को बच्चों पर थोप देते हैं। बच्चों को बोलिए तुम्हें जो सहज लगता हो वो पढ़ो और जो उन्हें सहज लगता है वो उसे अचीव करते हैं और वही उनका मानस है। भले फिनेंशियली कम बेसी हो पर वो स्टैब्लिश होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं मोहम्मदी एजुकेशनल ट्रस्ट को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ ये जो आपने बीड़ा उठाया है आप इसमें सफल हों और ईश्वर आपको सफलता दे, आप हर कदम आगे बढ़ते जाएं क्योंकि इसकी हमारे देश को हमारे समाज को ज़रूरत है। आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं और मुझसे जितनी मतलब मेरी जो क्षमता होगी मैं आपके साथ हूँ हर वक्त। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही एनकरेजिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर विष्णु मैसवाल जी, थैंक यू सो मच। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आली जनाब मौलाना अशरफ अली रवी साहब से गुजारिश करूँगा कि आप पोडियम पर आएँ और आज तक दो मिनटों से हम लोगों को नवाजें। इससे पहले कि मौलाना को मैं इन्वाइट करूँ, मैं जितने यहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जो बच्चे मौजूद हैं, तालिबे मौजूद हैं, उनके तरफ मुखातिब हूँ। तो बच्चों ऐसा है कि स्टेज पर आप जिन्हें देख रहे हैं ये मोहतरम शख्सियत, ये सब अपने फिरते जाफरिया से ताल्लुक़ रखते हुए एजुकेशन में अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे दरमियान टीचर्स मौजूद हैं जिनका हम फर्दन बफर्दन इंट्रोडक्शन नहीं करा पाएंगे, वक्त की कमी है। आप सब इनसे मुलाकात करें, इनसे मिलें और इनसे सीखने की कोशिश करें। ये आपकी हर वक्त हर कदम ब कदम मदद करने के लिए तैयार हैं। इन सबों ने हमसे ख़ास तौर से इल्तजा की है कि आप बच्चों से गुजारिश करें कि वो लोग इनसे इस्तफादा हासिल करें। तो बच्चों आप प्लीज़ इन सब से मिलें और अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी दुश्वारियाँ, अपनी काउंसलिंग करें ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे कामयाब हो सकें। एक बार तालियों के साथ गेस्ट का इस्तकबाल एक बार अपने जगह पर खड़े होकर करें तो बहुत अच्छा होगा। प्लीज़ आइए तो नहायत खुशी हो रही है कि तालीमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का मौका मिला जहां पर जो लोग तशरीफ लाए हैं शिरकत कर रहे हैं। हर इंसान अपनी जगह पर एक तालीमी फूल की मानिंद है जिससे इल्म व तरबियत की खुशबू आ रही है और ये ऐसा इज्तमा इबादत है कि लोग बैठे हुए हैं अपने मुल्क के सिलसिले से, समाज के सिलसिले से फिक्रमंद हैं कि समाज को आगे ले जाना है। जैसे अगर मुख्तसर लफ्ज़ों में कहें जब मतलब किसी समाज को तरक्की पर करना है, आगे बढ़ना है, मुल्क को आगे बढ़ना है, इसके लिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जब मुल्क का
बच्चा बच्चा पढ़ेगा तभी भारत आगे बढ़ेगा। तो अगर हमको अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, ले जाना है, जैसा मुहतरमा जयसवाल साहिबा ने भी रहनुमाई की है हम लोगों की, कि इसमें बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत आगे बढ़ना है, बल्कि हुज़ूर सरवरे कायनात जो पहले जंग मक्के के मुशरिकीन ने जंग बद्र थोप दी थी कि हम बर्बाद कर देंगे, मदीने को लूट लेंगे, इस्लाम ने कभी अटैक नहीं किया किसी के ऊपर, दिफा किया है, जो हमारा मुल्क का कानून भी कहता है, अक्ल भी कहती है, कुरान मजीद कहता है, उसमें मौलाए कायनात ने जो कारनामा जो शुजात दिखाई है वो आलम इस्लाम पर मक्की नहीं है। उसमें जो दुश्मन के लोग असीर हुए थे उनको जब इस्लामी लश्कर ने पकड़ लिया तो आज देखिए हुजूर ने उनको आज़ाद कैसे किया। बहुत गौर करने की बात है, इस्लाम जो है तालीम की तरफ जोर देता है। हुजूर ने क्या कहा, ये लोग पढ़े लिखे हैं, तुम लोग मदीने के रहने वालों को शिक्षा दो, तालीम दो, उसके बदले हम तुम्हें आज़ाद करते हैं। तालीम ऐसी चीज है जिससे दुश्मनी मिटती है, दहशतगर्दी का खात्मा होता है, बेरोजगारी खत्म होती है, जहालत से मुल्क और समाज आज़ाद होता है। तो तालीम के लिए हम फाका रख लें, लेकिन अपने बच्चों को जेवर तालीम से ज़रूर आरास्ता करें। आप ज़रा कुछ सदियां पहले चले जाएं, तारीख पढ़ें, सबको पढ़ने का अधिकार नहीं होता था, जो रॉयल फैमिलियां होती थी उन्हीं के बच्चों को पढ़ने का हक होता है, जबकि पढ़ने का हक हर समाज और हर बच्चे का है। यह ऐसा अधिकार है कि कोई किसी से छीन नहीं सकता है। इसके तरफ कुरान मजीद ने और इस्लाम ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है, लिहाजा इरशाद होता है क्या पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले यानी आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं। ये ऐसा मैसेज है जो हम तमाम कायनात को दे सकते हैं, वो ये कि आप देख लें जिस शोबे का इंसान पढ़ा लिखा उसे आलिम कहा जाता है, जो जाहिल है उसके बराबर नहीं हो सकते। समाज इस निगाह से नहीं देखता और इल्म की फजीलत के लिए, इल्म की अफजलियत के लिए यही काफ़ी है कि आप किसी जाहिल को जाहिल कह दीजिए, लड़ने पर आमादा हो जाएगा। जाहिल है वो भी अपने आप को आलिम नुमा बनाकर पेश करता है। तो यहीं से हमें समझना चाहिए इल्म ऐसा जेवर है जो ताज खुदावंद आलम ने इस इंसान को अशरफुल मखलूकात यानी जितने चीजें हैं जिसमें जानदार चीजें उसमें सबसे बेहतर इंसान को बनाया है। और ये इंसान अगर अपनी कदर समझे, अपने आप को पहचाने, बहुत से हम में ऐसे लोग होते हैं दूसरे के बारे में कमेंट फौरन दे देते हैं, अपने से जाहिल होते हैं। क्यों? पहले हम अपने आप को पहचाने हम कहां तक जा सकते हैं। आज अफसोस के साथ कहना है पूरी दुनिया को झोंका जा रहा है, आप डिग्री हासिल करो, पढ़ो और जॉब करो, यानी तालीम बराए पेट, ये इंसानियत को धोखा देने का काम है और ये फिक्र आगे नहीं बढ़ने देगी। देखें आज चले जाएं जो आश्रम में ऋषि मुनि तालीम देते थे, जो मदरसों में मानवता का पाठ पढ़ाया जाता था, वो किस लिए पढ़ाया जाता, ताकि पहले इंसान बनो, पहले इंसानियत आना चाहिए। अगर खाले इल्म पर फख्र करते रहे तो इल्म वबाले जान बन जाता है और इल्म शैतान बनाता है। खाले इल्म इंसान को शैतान बना देता है, शैतान के पास इल्म है लेकिन कल्चर नहीं है, मानवता नहीं है, अमल नहीं है। तो हमें ये चाहिए हर मजहब में, हर जो है मजहब में, हर समाज में अगर आप जाएं तो शिक्षा की, विद्या की, तालीम की बहुत एहतराम होता है वहाँ पर। अगर तालीम का एहतराम नहीं है वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, किताबों का एहतराम नहीं करेगा स्टूडेंट्स आगे नहीं बढ़ेगा, इल्म का एहतराम नहीं करेगा
तो हमें पढ़ना है इल्म की शराफत को देखकर, इल्म को जेवर, तालीम को इंसानियत अपने ताज बनाए, उस वक्त आगे बढ़े। अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा कि हम जो है डिग्रियां ले लेंगे। आप देखते हैं कितने लोग जो है डिग्रियां हासिल करके नौकरियां करते हैं लेकिन पढ़ाने की लियाकत नहीं होती, पढ़ा नहीं सकते। क्यों ऐसा है? ऐसा इस वजह से है उन्होंने फोकस सिर्फ डिग्री किया है ताकि अच्छी तरह समाज में जिंदगी गुजार सकें। इल्म इस तरह कभी जो है वो काम नहीं कर सकता। वो इंसान जो फकत इल्म को अपने खाने पीने का जरिया समझ के बिजनेस समझ कर हासिल करेगा। इल्म की रौनक उसी वक्त जो है दोबाला होगी जब इल्म को हम उसकी अहमियत समझ कर हासिल करेंगे, तो कोई क्या बनेगा, अब्दुल कलाम जैसा स्कॉलर और रिसर्च टेक्नोलॉजी का माहिर बनेगा। अगर हमने, क्यों ऐसा है कि हमारे पास जो खुदा ने एनर्जी ऊपर वाले ने जो ताकत दी है वो अकल है। आप ये बताइए क्या हम कोई ऐसा दुनिया का पैमाना आया है जो पढ़ने वाले तालिबेल स्टूडेंट्स की अकल को नाप ले कि इसके पास कितने पॉइंट्स अकल हैं? इसके लिए बाब मदीनतुल इल्म अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में फरमाते हैं, कुल्लु विआइन यफीकु बिमा जुइला फी इल्ला विआअल इल्म यक्तसिउ, कि हर पैमाना कोई भी चीज हो। अभी देखिए इतने कितने लोगों की जगह है, लोग आ गए जगह कम हो गई। मौला ने एक कुल्ली फरमान दिया है, कुल्ली कानून बताया है कि हर वो चीज जितनी उसमें गुंजाइश है उसको आप पुर कर ले वो कम हो जाएगी सिवाय अकल के जिससे हम इल्म हासिल करते हैं। कहना जितनी मालूमात आप इसमें डालते जाएंगे अकल खुलती जाएगी। ये जब ऐसी ऊपर वालों ने ये एनर्जी ये ताकत दी है तो हमें और आपको आगे बढ़ना है, कभी पीछे नहीं मुड़ना है, कभी हमें रुकना नहीं है। अगर तालीम आज जो हमारे मराजे कराम खुसूसन मर्ज आला आयतुल्लाह लुहमा सैयद अली हुसैनी सिस्तानी फाइव ईयर्स के हो चुके हैं, लेकिन आप जाके देखिए कभी जो है पढ़ने से गुरेज नहीं किया है। ये चूंकि तालीमी जलसा है लिहाजा हम अपने बच्चों और नई नस्ल के लिए पैगाम कुरान हदीस की रोशनी में देना चाहते हैं। कभी भी आप डिग्री लेकर खामोश ना हो जाइएगा, अब नहीं पढ़ना है। वो टीचर्स जो बगैर होमवर्क किए हुए आ जाते हैं उनके जो है तालीम में बरकत नहीं होती है। पढ़े हैं लेकिन डेली उनको होमवर्क करना पड़ता है। मुदर्रिस अफगानी नजफ अशरफ के बहुत बड़े मुदर्रिस गुजरे हैं, ये अफगानिस्तान के, इसे हमारे पड़ोसी मुल्क के थे। जब वो नजफ अशरफ में पहुंचे हैं तकरीबन आज से 60 साल पहले का वाकया है, उन्होंने अपने पेरेंट्स को खत लिखा कि मैंने पढ़ाना शुरू किया है नजफ जैसी यूनिवर्सिटी में। चंद जो है महीने हुए थे, घर वाले बहुत खुश हो गए, क्या बात है कि ये पढ़ाने लगे हैं। उसके बाद 10-15 साल के बाद दूसरा खत भेजा, कहा कि अब मैंने पढ़ना शुरू किया। घर वाले परेशान होंगे, ये क्या जाते साहब, जो बंदा टीचिंग कर रहा हो पढ़ा रहा हो, अब 15 साल में दूसरा और आगे बढ़ना चाहिए, प्रोफेसर होना चाहिए और तरक्की करना चाहिए, आप कह रहे मैं पढ़ रहा हूं। कहा जब मैं पढ़ रहा था तो अपने टीचर को पढ़ा रहा था, अभी मुकदमा ने इशारा किया है, अब मैं पढ़ा रहा हूं गोया मैं पढ़ रहा हूं। यानी जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो सवाल करते थे, टीचर्स जिस सवाल की तरफ मुल्तफित मुतवज्जे नहीं होते थे वो जाके रीड करते थे पढ़ते थे, गोया ये स्टूडेंट्स पढ़ा रहा है अपने टीचर को। इस वजह से सवाल से गुस्सा नहीं होना चाहिए, ये टीचरों के लिए भी है, बल्कि जो भी सवाल स्टूडेंट्स की तरफ आ रहे हैं उसमें हमें जो है तैयारी करनी चाहिए अगर मालूमात नहीं है। अब उसके बाद जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया उनके स्टूडेंट्स से सवाल करना शुरू किया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया। ये चीज अगर हम इस तरह से चले तो आगे, हमेशा अपने को स्टूडेंट्स तालिबे इल्म समझना चाहिए।
यानी हुजूर सरवरे कायनात के लिए कुरान में क्या इशारा हुआ है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, पैगंबर अकरम फरमा रहे पालने वाले हमारे इल्म में इजाफा कर। हुजूर इल्म लेकर आए थे फिर ये इजाफा क्यों कह रहे हैं, क्या मतलब है? ज्यादा बहरहाल इसके तरफ हम नहीं जाते, उसका एक अपनी फार्मूला आपके गोश गुजार करना चाहते हैं। पूरी दुनिया इल्म मंतिक के हिसाब से अपनी अकल पैमाने पर हम तोल सकते हैं, कुल आलम मुतगैर, दुनिया में जितनी चीजें हैं उसमें तब्दीली होती है। एक हमने बिल्डिंग बनाई 50 साल पहले, अब सवाल पजीर की तरफ गामसन होगी। एक बच्चा आज पैदा हुआ पढ़ता रहा, 40 साल के बाद वो बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। हर चीज में क्या है, तब्दीली है। अगर हम डिग्री पाकर प्रोफेसर हो गए, अब हम फोकस पढ़ाई पे नहीं कर रहे हैं, तो जितनी मालूमात है तब्दीली की होना है। अब ऊपर की तरफ तब्दीली नहीं होगी, नीचे की तरफ हम आएंगे। लेकिन अगर ताहयात हम चाहते हैं कमाल की तरफ जाएं, आगे बढ़े, तो हमें तालिबे इल्म समझना चाहिए, डेली होमवर्क करना चाहिए, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो लिहाजा तालीम जो हमारी है वो हमेशा हम अपने आप को एक तालिबे इल्म, एक जो है स्टूडेंट समझकर जब तक जिंदा रहें। इसी वजह से इस्लाम ने दावत दी है, उत्लुबुल इल्मा मिनल महदे इलल्लहदे, इल्म को हासिल करो माँ की आगोश से लेकर कब्र तक, यानी पूरी जिंदगी तक। अगर इस तरह हम अपने समाज को अपने कौम को लेकर चलेंगे तो यकीनन हमारे समाज में भी तरक्की होगी, हमारा मुल्क भी संवरेगा, और जब मुल्क में जहालत का खात्मा होगा तो दहशत गर्दी का खात्मा होगा, बेरोजगारी जो इंसान फुर्सत में है टहल रहा है वो 500,000 के नोट पर बिक जाता है और कितनों की जान ले लेता है। लेकिन अगर उसको हमने तालीम दे दी तो देखे थे 500 पे हमें खरीद रहा है, इसके लिए किसी इंसान को जानदार को मारने के लिए वो सोचेगा, अगर जो उसके पास जॉब नहीं है। लेकिन अगर सही हमने तालीम दे दी तो बहुत सी चीजें जो है जो खराब हमारे मुल्क में राइज हो रही हैं उनका खात्मा हो जाएगा। इसी के साथ रब जुल जलाल से दुआ गो हैं, इलाही हक सहरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा, पाने वाले मोहम्मदी एजुकेशनल ट्रस्ट जो काम कर रहा है इनको इनके मिशन में कामयाब व कामरान फरमा, और हम सबको तौफीक दे कि हम इनके साथ शाना बशाना मिलकर इनका ताउन करें ताकि हमारा समाज भी आगे बढ़े और देश भी आगे बढ़े। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अली जनाब मौलाना अशरफ अली गर्मी साहब से गुजारिश करूँगा कि सरकार आप हमारे गेस्ट का इस्तकबाल करें गुड पेश करके। साहिब अली सिद्दीकी साहब, आप एक बिजनेसमैन हैं और बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं, अपने इलाके में सोशल काम करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे हौसला अफजाई कहाँ पर कहीं करते रहते हैं। अगर आप साहिब सिद्दीकी के साथ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आप आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे पहले के इख्तिताम का ऐलान करूं, आगा ने मुझे हुक्म दिया है एक ऐलान करने के लिए, वो ये कि आगा के दफ्तर से यानी दफ्तर नुमाइंदगी आयतुल्ला उस्मा आकाए शिस्तानी साहब तिबला के दफ्तर से एक अवार्ड का अहतमाम किया गया है। गालिबन ये शायद पहली बार दिया जा रहा है, ये पहली बार दिया जा रहा है, और आगा ने मुझे हुक्म दिया है, कुछ नाम बताए थे कि वो उन्हें ईद गदीर अवार्ड देना चाहते हैं। हमारे अदारे को मुंतखब किया उसके लिए आगा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये अवार्ड जो लोग एजुकेशन पर सोशल काम कर रहे हैं उनके लिए है, तो मैं आपके हुक्म से नाम अनाउंस कर रहा हूँ जिनका हुक्म आपने किया देने के लिए। प्रोफेसर हैदर हसन काजमी साहब, जनाब मोहसिन अली शिराजी साहब, जनाब हुमायूं अली मिर्ज़ा साहब, जनाब यावर इमाम साहब, प्लीज़ आप सब अदा तशरीफ़ लाएं और आगा के हाथों ईद गदीर अवार्ड हासिल करें।
नारे जनाब मोहसिन अली शिराज़ी साहब। दफ्तर नुमाइंदगी आयतुल्लाह उज़्मा आकाए शिस्तानी साहब क़िबला। यावर इमाम साहब मौजूद है तो प्लीज तशरीफ़ लाएं। यावर इमाम साहब और मैं अपने अदारे के तमाम मेंबर हजरात से गुजारिश करता हूं कि आप सब स्टेज पर आएं और आभा से अवार्ड लें। आइए तशरीफ लाइए सर। जूनियर टीम प्लीज तशरीफ लाइए। आप लोग जूनियर टीम तशरीफ लाइए। हमारी एक जूनियर टीम है जो हमारे शाना बशाना रह करके काम करती है। तशरीफ लाइए सर, स्टेज पर तशरीफ लाए सर। जनाब अमीर बख्श साहब, कायम रजा साहब, इरफान साहब, अशर अब्बास साहब और कैसर साहब, अमरुद्दीन साहब, माफ कीजिए सब बाबू भाई आइए तशरीफ लाइए। सब ठीक है मैडम, आइए आइए। इन लोगों ने काफी जद्दोजहद किया, मैंने देखा भाजपा प्रवेश है इनसे बाहर रहता था मुल्क से, लेकिन उसके बावजूद भी ये इन सबों लोगों ने मुझे अपडेट देते रहे और मुझसे यही कहते रहे कि किसी भी तरीके से स्कूल को स्टार्ट करना। और मैं इरफान साहब का खास करके जो आज वो 2 लाख का चेक दिया उन्होंने, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं गुजारिश यही करूँगा आप सबों से जो हजरात यहाँ आज आए हुए हैं और अपना वक्त निकाल के फर्दर और उन बच्चों का जो जिन्होंने अवार्ड लिया कि वो इसी तरह आगे चलते रहे इंशाल्लाह। और तालीम और एजुकेशन को लेकर मैं खुद पर्सनली बहुत ही इन्वॉल्व रहता हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि तालीम के बगैर कोई भी नेशन, कोई भी फ़िरका, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। और हमारी कामयाबी इसी में इल्म से, नॉलेज से, अगर उसमें हम पीछे रह गए तो ना मेरा नेशन बढ़ सकता, ना हम पर्सनली इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकते। तो मैं एक बार और स्पीच को बहुत शॉर्ट रखता हूँ, मैं स्पीच जल्दी देता नहीं हूँ, बहुत ही कम ही रखता हूँ, मुख्तसर। मैं आप सबों का शुक्रगुजार हूँ और कोशिश ये रहेगी कि इंशाल्लाह इवन कमिंग ईयर में प्रोग्राम और रखूँ, ऐसी कुछ ये स्कूल जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए। आप सब लोगों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة الله عليه وسلم.